17 साल की समृद्धि ने छोटी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। तब से उसके पापा गौतम ही उसकी पूरी जिंदगी थे। समृद्धि के पापा ने कभी भी उसे अपनी मम्मी की कमी महसूस होने नहीं दी, पर उनकी लाइफ में एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। एक यूजुअल संडे का दिन था। समृद्धि के पापा कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और समृद्धि अपने रूम में कथक डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक से घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोलने पर बाहर सूट पहने एक लॉयर खड़ा था। उसने बताया कि गौतम के चाचा का देहांत हो गया है और उन्होंने अपनी एक हवेली विरासत में गौतम को सौंपी है। गौतम को यह बात बहुत अजीब लगी क्योंकि गौतम की अपने चाचा से बिल्कुल नहीं बनती थी और वो करीबन 15 सालों से उनसे नहीं मिला था। पर जब उस लॉयर ने पूरा पेपर वर्क दिखाया तो गौतम को समझ आया कि ये सब सच था। समृद्धि और गौतम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी बड़ी हवेली के मालिक थे। हवेली को देखकर समृद्धि के पापा को समझ आ गया था कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इतनी बड़ी हवेली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उस हवेली को बेचने का डिसीजन लिया। पर समृद्धि की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने अपने पिता को बोला कि वो हमेशा से एक बड़े से घर में रहना चाहती थी। गौतम ने समृद्धि की खुशी देखकर कुछ समय उस हवेली में रहने का डिसीजन लिया। वो हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत थी उतनी अंदर से भी। समृद्धि की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो पूरी हवेली में घूम घूम कर हवेली के सभी कमरे देख रही थी। तभी वो एक ऐसे कमरे के आगे पहुंची जिसका दरवाजा बंद था। उस बड़े से दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था और उस ताले पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। समृद्धि ने उस ताले पर जैसे ही हाथ लगाया उसे मानो बहुत जोर का करंट लगा। इससे पहले कि समृद्धि कुछ समझ पाती उसके पापा ने उसे आवाज लगाई और समृद्धि वापस मुड़कर अपने पापा के पास जाने लगी। पर चलते चलते समृद्धि के कानों में एक आवाज आई। उसके कानों में एक औरत हंसते हुए उसे पुकार रही थी। समृद्धि अचानक से वो आवाज सुनकर पीछे मुड़ी, लेकिन तभी वो आवाज आनी बंद हो गई। समृद्धि ने इसे अपना वहम समझा और वो अपने पापा के पास चली गई। उस रात गौतम और समृद्धि अपने अपने कमरे में सो रहे थे, पर तभी गौतम की नींद एक आवाज से खुली। गौतम को पास के कमरे से घुंघरू की आवाज आई। गौतम ने सोचा कि शायद समृद्धि अपने रूम में डांस प्रैक्टिस कर रही होगी, इसलिए वो फिर से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। पर घुंघरू की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे घुंघरू पहनकर कोई गौतम के पास आ रहा हो। इससे पहले गौतम कुछ समझ पाता घुंघरू पहने कदमों की आवाज उसके बेड के पास से आने लगी। गौतम तेजी से उठा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। अब गौतम को कुछ अजीब लगने लगा था। वो उठकर समृद्धि के कमरे की तरफ गया। समृद्धि के कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वो कमरे में थी ही नहीं। अब गौतम को टेंशन होने लगी थी। वो समृद्धि को आवाज देकर पुकारने लगा। उसने हवेली की लाइट जलाने की कोशिश की पर कोई भी बटन काम ही नहीं कर रहा था। गौतम ने कमरे के बाहर पड़े एक लैंप को उठाया और उसे जलाकर हवेली में समृद्धि को ढूंढने लगा। घूमते घूमते गौतम को फिर से घुंघरू पहने किसी के चलने की आवाज आई। गौतम उसी आवाज का पीछा करने लगा। गौतम जितना उस आवाज के करीब जाता वो आवाज उससे उतनी ही दूर जा रही थी। लेकिन उस आवाज का पीछा करते हुए गौतम ने खुद को एक कमरे के बाहर खड़ा पाया। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उस कमरे के बीचों बीच में गौतम को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उस कमरे के अंदर एक लड़की साड़ी पहने घुंघरू डालकर डांस कर रही थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाता गौतम को उस लड़की का चेहरा दिखा और उसका दिल दहल उठा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि समृद्धि ही थी। पर समृद्धि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और वो मेकअप उसके पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बंगाली भाषा में कुछ गाना गा रही थी। गौतम ये सब देखकर बहुत डर गया और वो दौड़कर समृद्धि के पास गया। उसने जैसे ही समृद्धि के कंधे पर हाथ रखा
समृद्धि ने मुड़कर जोरों से एक चीख मारी और गौतम की छाती पर अपना हाथ मारा। गौतम समृद्धि का हाथ लगते ही कमरे से बाहर जाकर गिरा और उस कमरे का दरवाजा गौतम के मुंह पर बंद हो गया। ये वही कमरा था जिस पर समृद्धि को सुबह ताला दिखा था। गौतम उठकर जोर जोर से उस दरवाजे को पीटने लगा। वो कुछ भी करके समृद्धि को वहां से बाहर निकालना चाहता था। गौतम पागलों की तरह उस दरवाजे को ठोकने लगा। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आई जिससे वो रुक गया। पापा, आप ये क्या कर रहे हो? गौतम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे नाइट सूट पहने समृद्धि खड़ी थी। समृद्धि ने कहा कि वो अपने कमरे में सो रही थी और उसे जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई जिसे सुनकर वो वहां आ गई। गौतम को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर समृद्धि अपने कमरे में ही थी तो उसे दिखाई क्यों नहीं दी, और उस कमरे के अंदर मौजूद वो लड़की कौन थी? इन सवालों से गौतम का सर फटने लगा था, पर वो समृद्धि को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने समृद्धि को अपने कमरे में वापस जाकर सोने को कहा। गौतम पूरी रात नहीं सोया। सुबह होते ही वो हवेली के पास एक मंदिर में चला गया। गौतम भगवान में बहुत मानता था और उसने मंदिर में जाकर अपने साथ हुआ पूरा किस्सा भगवान की मूर्ति के सामने बोल दिया। गौतम नहीं जानता था कि मंदिर का पुजारी भी उसकी बातें सुन रहा है। जैसे ही गौतम मंदिर से जाने लगा, मंदिर के पुजारी ने उसे रोककर पूछा कि आखिर वो रहता कहाँ है। और जब गौतम ने उसे बताया कि 2 दिन पहले ही वो पास वाली हवेली में रहने आया था, तो उस पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गौतम को उस हवेली से तुरंत निकल जाने को कहा। जब गौतम ने पुजारी से बात की तो उस पुजारी ने बताया कि कई सालों पहले उस हवेली में एक राजा रहता था और मौंजलिका नाम की एक लड़की हवेली में नाच गाकर सबका मन बहलाती थी। पर धीरे धीरे राजा को मौंजलिका से लगाव होने लगा, पर मौंजलिका अपने साथ नाचने वाले एक साथी से बेहद प्यार करती थी। उस राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, जलन और गुस्से की आग में उसने मौंजलिका और उसके साथी दोनों को ही जान से मार दिया। मौंजलिका की मौत हो गई, पर उसकी आत्मा उस हवेली में ही रह गई। पर आज भी मौंजलिका की गुस्से से भरी आत्मा उसी हवेली के एक कमरे में बंद है। गौतम को अब सब कुछ समझ आ गया था। जो कल रात को उसे दिखी वो कोई और नहीं बल्कि मौंजलिका थी, और अब उस हवेली में रहना उसके और समृद्धि के लिए खतरे से खाली नहीं था। वो उसी पल समृद्धि को लेकर वहां से जाना चाहता था, लेकिन जब वो घर वापस गया तो समृद्धि मौंजलिका वाले कमरे में बैठी हुई कल रात जैसे साड़ी और घुंघरू पहने हुए उस कमरे में पड़ा पुराना सामान देख रही थी। गौतम ने समृद्धि को वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन समृद्धि वहीं रुकने की जिद करने लगी। जैसे ही गौतम ने समृद्धि को डांटा तो समृद्धि अचानक से गौतम पर ही हावी हो गई। उसने गौतम को उसकी गर्दन से उठा लिया और बंगाली भाषा में गुस्से से कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगी। कुछ ही पलों में गौतम की सांसें रुक सी गई थीं। वो दर्द के मारे छटपटा रहा था, लेकिन इतने में उस मंदिर का पुजारी कुछ लोगों को लेकर वहां आ गया और उसने तुरंत समृद्धि पर गंगाजल फेंका। समृद्धि ने गौतम को छोड़ दिया और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। गौतम और उस पुजारी ने वहीं पूजा करके उस कमरे को फिर से ताले से बंद किया और गौतम समृद्धि को लेकर उस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उस हवेली को बेचना क्या, उस हवेली के आसपास जाने का भी ख्याल गौतम ने अपने मन से निकाल दिया। समृद्धि को आज भी नहीं पता कि आखिर उन्होंने वो हवेली क्यों छोड़ी, और ना ही गौतम उसे उस हवेली को छोड़ने की वजह बताता है।